वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स मेरा नाम है यथार्थ इस सीरीज के पिछले लेक्चर्स में हमने बात की बुद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुइज्म के बारे में और कंपेयर किया उनकी फिलोसफीज को इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द राइज ऑफ महाजनपथ्स एंड हाउ स्टेज वॉज सेट फॉर द एंशियंट इंडिया द फिगर्स दैट यू आर ही इज चाणक्य बेटर नोन एज कौटिल्य दिस इज एलेक्जेंडर द ग्रेट एंड दिस इज बिंबिसार बिम्बिसार का मैं हमारे मैं हमारे पुराने लेक्चर्स में भी था इन द लेक्चर्स रिलेटिंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं लेक्चर के मैप को द लेक्चर विल कंटेन सेटिंग ऑफ इज स्टेज एंड द क्रोनोलॉजी कि हम यहां तक पहुंचे कैसे हाउ डिड वी रीच हेयर द जनरल क्रोनोलॉजी प्लस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाजनपद एंड द वेरियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया प्लस वेरियस महाजनपद्स इनकी हम मैपिंग करेंगे और जानेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देन आफ्टर वी विल सी अबाउट द राइज ऑफ मगध एज ए महा महाजनपद एज ए ग्रेट महाजनपद दैट वॉट फैक्टर्स स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ मगध बिटवीन द वेरियस महाजनपद्स आफ्टर दैट वी शैल टॉक अबाउट वेरियस डायनेस्टीज सच एस हरंक्या शिशुनाग नंदा और जानेंगे मॉडर्न साम्राज्य के उदय के बारे में फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर ऑल्सो हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ पर्शियंस एंड एलेक्जेंडर के बारे में और जानेंगे कि भारत की एंशियंट हिस्ट्री पर इनका क्या इंपैक्ट था यहां पर मैंने एक एलिफेंट की फोटो लगाई है दिस इज जस्ट फॉर अट्रैक्शन पर्पज प्लस इट इज सिंब सिम्बुलाइजिंग मगध एम्पायर मगध महाजनपद आगे चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक क्रोनोलॉजी की किस समय की बात हम कर रहे हैं किस टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पोस्ट वेद पोस्ट वैदिक का मतलब है थाउजेंड टू सिक्स हंड्रेड बी सी दिस वॉज द लेटर वैदिक एज एंड अराउंड सिक्स हंड्रेड बीसी की हम बात करेंगे द आवर फोकस विल बी ऑन महाजनपद अच्छा महाजनपद का अर्थ क्या है महा मतलब ग्रेट दिस इज महा मीन्स बिग और ग्रेट और ग्रैंड देन इज जन जन मीन्स पीपल एंड पद पद मीन्स प्लेस सो द प्लेसेस विच हैड मैनी मैनी पीपल दे वर नोन एज महाजनपद चलिए आगे चलते हैं सो यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजी द बेसिक क्रोनोलॉजी तो महाजनपद का जो पीरियड था वो क्या था सिक्स हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी अच्छा ये 322 हंड्रेड हम क्यों कहते हैं क्योंकि इसके बाद मॉडर्न एंपायर का राइज हुआ न वॉट इज द डिफरेंस और वॉट इज मीनिंग ऑफ दिस दिसर एंड वी विल थ्रू आउट आवर हिस्ट्री लेक्चर्स विल कीप यूजिंग वेरियस टर्म्स सच एज डायनेस्टीज किंगडम्स एंड अंपायर सो इनके मतलब क्या है इनमें क्या फर्क है ये भी हम देख लेंगे चलिए तीसरा जो है हमने बात की दैट मॉडियन एम्पायर का राइज हुआ तो इसका पीरियड क्या था 322 ट्वेंटी टू बी सी टू चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसकी फाउंडेशन हम इसी लेक्चर में देख लेंगे आगे चलते हैं बात करते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हाउ डिड वी रीच हेयर इन द सीरीज ऑफ आवर लेक्चर्स तो सबसे पहले आपको याद होगा हमने बात की थी प्री हिस्ट्री के बारे में और इसमें हमने पढ़ा था अबाउट द पीलियोलिथिक मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स ये आप पहले लेक्चर में देख सकते हैं इन द फर्स्ट लेक्चर इन द सेकेंड लेक्चर यू कैन सी अबाउट आई वी सी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द ट्रांजिशन टूवर्ड्स द वैदिक एज जिसको हमने अर्ली और लेटर वैदिक एज में पढ़ा था फिर हमने बात की अबाउट द श्रावक फिलासफीज और श्रमन स्कूल्स ऑफ फिलासफीज जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देर वर फ्यू मोर सेक्ट्स दैट वी डिस्कवर्ड डिस्कटवर अजैविका अग्ञाना चार वाक एटसेट्रा बुद्धिज्म के स्कूल्स के बारे में थीनयान महायान और फिर इनके भी स्कूल में स्वतंत्रवाद इन द महायान एंड द इनके जो प्रोपरकिटर्स थे नागार्जुन इनके बारे में हमने बात की थी जैन में भी हमने समझा अबाउट द लाइफ ऑफ महावीर उनकी फिलोसफी को भी समझा यह आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं अब हम आगे बात करेंगे द ट्रांजिशन टू द एज ऑफ महाजनपद जैसा कि कॉमनली कॉमनलीब्सर्वड है देर वर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफीज टाइम वन वर वैदिक जो लोग वैदिक फिलोसफीज को फॉलो करते थे वो ज्यादातर मोनार्कियल थे राजाओं में विश्वास रखते थे देर वर किंग्स हेरिटरी प्लस देर वर यीज एंड देर वर ब्राह्मण्स एंड कास्ट सिस्टम्स So, this was a completely different type of society. The second type of societies or the political organizations were republics. The republics were those in which the leader was chosen, with a chosen leader. Now, these were divided in or had some categories such as tribes or clans or janpats. कुछ क्लैंस के बारे में हमने बुद्धिस्म और जैनिस्म में जाना था जैसे कि साक्य क्लैन तो साक्य क्लैन से कौन थे गौतम बुद्ध महावीर भी एक राजपूत क्षत्रिय क्लैन से थे सो वर नेचुरली द फॉलोअर्स ऑफ शावक फिलोसफीज चलिए